बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने टू शेप्स यहाँ पे क्रिएट की हैं। एक मेरे पास 3D ब्लॉक है, एक अगर आप देखें तो 3D फैन सा बना हुआ है। ये आज हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर 2D शेप्स को ड्रॉ कर लेंगे। आपने इंसर्ट में से यहाँ से सर्कल होगा, यहाँ से सर्कल ले लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपने इंसर्ट पर क्लिक करके यहाँ दोबारा शेप में जाना है। यहाँ से मून की शेप होगी, ये मून की शेप आपने क्रिएट कर लेनी है। ये हम जो हमारा फैन होगा उसके फिन्स के लिए इसको क्रिएट करेंगे। तो देखिए, इसका मैं थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेता हूँ और इसकी अभी हम कॉपीज बना लेंगे, 4 कॉपीज। मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो इससे क्या होगा, हमारे पास 4 कॉपीज जनरेट हो जाएंगी मून की। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। हम देखिए, मैं इसको इस एंगल पर ले आता हूँ, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम इस एंगल पे ले आते हैं, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने एक फैन की लुक देनी है इसको, तो इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। तो जब ये एडजस्ट हो जाए, इसको ऐसे एडजस्ट करना था हमने, जब ये एडजस्ट हो जाए तो आपने ये चारों की चारों शेप्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है। तो ये बैक पे चली जाएंगी और ये हमारे पास सर्कल जो है फ्रंट पे आ जाएगा। अब यहाँ से आपने एडजस्ट कर लेना है इसको थोड़ा सा। देखिए, अभी यहाँ पर एक फैन तो हमने कुछ एडजस्ट कर लिया इसको, इसके फिन्स और इसमें जो सर्कल है उसको। अब आपने सारी शेप्स सेलेक्ट करनी है एक एक करके। देखिए, मैं सब शेप्स पर क्लिक करूँगा तो 4 शेप्स मैंने भी सिलेक्ट कर ली हैं। लास्ट वाली शेप पर हम राइट क्लिक करेंगे तो वो भी हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे तो हमने ग्रुप में से ग्रुप कर देना है। ये सारी शेप्स अभी ग्रुप हो गई हैं। अब हम यहाँ पर शेप में जो हमने सेलेक्ट की हुई है शेप, उसके फॉर्मेट में यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस एरो पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। 3D रोटेशन में जाना है और 3D रोटेशन में मैं ये वाला जो व्यू है ऑफ एक्सिस टू टॉप, इस पर क्लिक करता हूँ। इसको हम इस तरह क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ 3D शेप में से यहाँ पर टॉप लेवल पे जाना है। टॉप लेवल को हमने ये शेप दे देनी है। अब हमने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको भी आप बढ़ा लें। और अब देखें, यहाँ पर एक बहुत ही क्रिएटिव सा 3D फैन क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक इश्यू है कि हमारे फैन के जो फिन्स हैं वो यहाँ पर रॉन्ग डायरेक्शन में है। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ रोटेट में जाता हूँ, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए, अब हमारा जो फैन है उसके फिन्स भी जो है वो राइट डायरेक्शन में आ गए हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको यूज करके दिखाने का मकसद ये था कि रोटेट वाला, देखिए मैंने यहाँ पर फीचर को यूज किया, यहाँ से 3D रोटेशन को यूज किया, 3D फॉर्मेट्स को यूज किया, 2D शेप्स में से हमने सर्कल और फिन्स को जो है ज्वाइन करना सीखा, 2D शेप्स को हमने क्रिएट किया। ये सारी ऑप्शंस आपको क्रिएट करके यूज करके दिखाने का मकसद ये था कि आपको एक एक्चुअल आइडिया हो जाए कि किस तरह हम तमाम ऑप्शंस की हेल्प से एक 3D शेप को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें, इसी तरह मैंने यहाँ पर ये ब्लॉक बनाना है तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूंगा, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया एक, इसको आप एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देखें, इसमें हमने एक तो इसको 3D शेप देनी है, दूसरा इसको हमने ट्रांसपेरेंट भी करना है। तो दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस लोकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ से आप यहाँ पर रोटेशन पर क्लिक करें, फिर ये वाला आप व्यू ले लें और 3D फॉर्मेट में से आप दोबारा से ये वाला व्यू ले लें। अब इसको आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसको आप मज़ीद बढ़ा लें थोड़ा सा। अब देखें, ये हमारे पास शेप क्रिएट होगी। आप यहाँ पर इसको रखें, ये फ्रंट पर आ रही है, यहाँ पर हम सेंड टू बैक करेंगे तो ये बैक पे चली जाएगी। फिन जो हमारे पास फैन है वो फ्रंट पे आ जाएगा। अब इसको हमने जो ये शेप है इस तरह ट्रांसपेरेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, फिल पे जाएं, अगर ये आपके पास पेन नहीं शो हो रही दोबारा इस शेप पर क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, इस एरो पर क्लिक करें, यहाँ से फिल में जाएं, फिल में से जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है उसको कम कर दें, सॉरी इसको बढ़ा दें। देखिए, जैसे जैसे मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूँ तो ये कुछ इसका जो कलर है वो डल सा हो रहा है। तो हमने डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करते हुए सीखा है किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए 3 डायमेंशनल शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।